और दोस्तों, क्या हाल समाचार? सब ठीक है? तो दोस्तों, अभी सुबह के 6:30 हो रहा है अभी, और स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अभी सुबह का 6:30 हो गया है, और देख सकते हैं इस समय का व्यू किस तरह का है। आज बहुत ज़्यादा कोहरा है, धुंध ज़्यादा लगा हुआ है, देख सकते हैं थोड़ा भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, इतना नज़दीक पेड़ है फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और ये पेड़ इतना नज़दीक है साफ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा धुंध है आज, और मैं आ गया हूँ इसी समय। और दोस्तों, थोड़ा सा घूमते हैं, टहलते हैं। सुबह सुबह घूमने का तो मज़ा कुछ और रहता है, और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी अच्छा है सुबह सुबह घूमना। तो थोड़ा घूमते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। घर चल रहा हूँ दोस्तों, घूम लिया और चलते हैं दोस्तों। और अभी भी उसी तरह का धुंध लगा हुआ है, देख सकते हैं पूरी तरह से। ठंड आज काफ़ी लग रहा है, हाथ गोर कनकना रहा है। ज़्यादा धुंध तो लगा ही है, लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो चलते हैं दोस्तों घर पे, और माल सब सरियाना है, माल सब सरिया के फिर फेरी पर भी चलना है। तो अभी तो चलते फिलहाल घर पे। दोस्तों, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ सीतामढ़ी माल लाने, क्योंकि दोस्तों वॉक करके आया हूँ, टहल के आया हूँ सुबह सुबह। तो आने के बाद माल सरिया हूँ, माल सरिया करके, और उसमें बहुत सारे आइटम ख़त्म हो गया है, जैसे बड़का ट्राउज़र सब, साल भर 1.5 साल 2 साल बच्चे का ट्राउज़र सब, ये सब ज़्यादा बिकता है, वही सब ख़त्म हो गया है। तो चलते हैं दोस्तों, कुछ मेल ख़त्म हो गया वो सब ले आते हैं, और जो है ना लैगी भी ख़त्म हो गया है, लैस वाला हाथी वाला जो होता है वो सब कस्टमर ज़्यादा खोज करता है, तो वही सब चलते हैं ले आएंगे। और देख सकते हैं अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, ये हमारा गांव है पीछे, यहाँ से 200-300 मीटर पर। और चलते हैं, थोड़ा सा इधर रुका हुआ था, अभी मैं चल रहा हूँ दोस्तों। अभी 10:30 हो गया है, इस तरह का व्यू है दोस्तों इस समय का। सुबह का समय तो देखो कि यह थोड़ा भी नहीं दिख रहा था, इतना ज़्यादा धुंध था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था। अभी ठंडा ठीक है, फिर भी गाड़ी चलाते हैं तो ठंड लगता है। तो देख सकते हैं अंदर ट्राउज़र है, हाईनेट है और शर्ट है। चलिए दोस्तों, फिलहाल अभी मैं चलता हूँ सीतामढ़ी, और चलते हैं। तेल भी ख़त्म हो गया है, तो तेल भी देना पड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ से चलते हैं, तेल डला लेते हैं, पूरा टंकी फुल करवा लेते हैं, और उसके बाद में यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए, कितना का हुआ? 360। 360 रुपये और तेल था, 360 रुपये में फुल हो गया। तो चलते हैं, तो अभी आ गया हूँ दुकान में, मार्केट में, सीतामढ़ी मार्केट। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। और अभी मैं जो जो सामान लेना है उससे लेना है, ट्राउजर उजर सा लेना है, टेप उप से, इसमें बड़ा वाला प्लाजो है, तो जो सब लेना है वो सब ले लेते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल माल, तो अभी मैं माल लेके चल रहा हूँ, और अभी रिंग बांध होकर के चल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेन रोड से जो है ना, टाउन वाला मेन रोड से ज़्यादा गर्दी था, भीड़ था, इसलिए रिंग बांध होकर के चल रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं। टाउन से आ गया इधर, और थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं। और दोस्तों, आइए दिखाते हैं आप लोगों को, ये बोरा वाला माल देख रहे हैं, बोरा वाला, ये दोस्तों 450 का है। तो ये एक दुकान में लिया हूँ, जिस दुकान का मैं दिखाया हूँ, जिसमें छाँट रहा था। और दोस्तों इधर झोला है, देख सकते हैं झोला, इसमें का माल दूसरे में लिया हूँ, दूसरा दुकान में दोस्तों, इसलिए हूँ सब माल तो उसी दुकान में लेता हूँ, लेकिन ट्राउज़र थोड़ा सा 1 रुपया महंगा लगाता है। और 1 रुपये महंगा से दोस्तों मैंने कितना लिया हूँ, लगभग 150 पीस लिया हूँ। छोटा बच्चा का ट्राउज़र है, साल भर से लेकर के और 5 साल तक बच्चे का है, तो 150 ट्राउज़र लिया हूँ, और 1 रुपया कम करने से जो है ना 150 रुपया कम हो गया। तो मात्र आधा किलोमीटर उस दुकान से दूरी में दूसरा दुकान में सामान लिया हूँ, तो 150 रुपया बचत हो गया। तो दोस्तों, ख़रीदारी में भी देखना पड़ता है, और एक ही दुकान से अगर माल लाते हैं अगर आप लोग, तो दुकान चेंज करके भी लाइए, क्योंकि दोस्तों 1 रुपया 5 रुपया के डिफरेंस से, 2 रुपया के डिफरेंस से बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है ख़रीदारी में। तो यही बात है, क्योंकि हम लोग थोक में लेते हैं, तो 1 रुपया अगर कम किए तो 150-200 पीस लिए, इसलिए 150-200 रुपया ज़्यादा ले लिया। और वहीं पर दूसरा दुकान अगर चेंज कर देते तो उतना बच जाता है, तो 150 रुपये हमारा बच गया, इसलिए दुकान चेंज करके लिए हैं ट्राउज़र।
और दोस्तों इसमें सब रेट सही है लगाया है, सब जैसा रेट लगता है वैसे ही रेट लगाया है। खाली ट्राउज़र में 1 रुपया ज़्यादा ले रहा था तो हमने ट्राउज़र उसमें से नहीं लिया। और इसी तरह से पिछला चैनल पर मैं वीडियो बनाता था तो उस चैनल पर जिस दुकान में मैं माल लिया वीडियो बनाया और वो भाई ने हमारा चैनल पूछ करके सब्सक्राइब कर लिया और जब वहाँ से जब बाहर आए जैसे अभी जैसे बात कर रहे हैं ऐसे बात किए आप, मैं अपने व्यूअर भाई लोग से बात किया जिसमें मैंने बताया था कि दोस्तों जिसमें मैं माल लाता हूँ उसमें से जो है ना यह इधर कभी नहीं लेता था लेकिन लिया हूँ। पहले वाला वीडियो में बताया था कि जिसमें से माल लाता था और दूसरा वाला में से लाया हूँ तो उसमें से मतलब 5-7 रुपया पीस पर ज़्यादा दे रहा है। तो जो रियल था सो बताया मैं अपने व्यूअर्स को मतलब नॉलेज के लिए और साथ ही साथ उसको जानकारी हो अच्छे से, इसके लिए हमने बताया। और चैनल सब्सक्राइब कर लिया था दुकान वाले भाई तो वो बोला था कि हमारे दुकान को शिकायत करता है, तो मैं बोला कि शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बोला कि भैया जो रियल है जो सच है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ और सच में सबका रेट तो सही है लेकिन एक दो प्लाजो है उसका जो है ना उधर से 5 रुपये आप ज़्यादा लेते हैं, आपका दुकान का रेट ज़्यादा है, वही बताया हूँ, कोई गलत नहीं बताया हूँ। सच में उधर मैं 25 रुपये लगाता था और 28-30 रुपये लगाता था तो उसी के बारे में मैं बताया था प्लाजो जो 8 साल 10 साल का है। तो उसके बाद जो है अभी भी मैं इस वीडियो में भी बात कर रहा हूँ तो किसी का दुकान का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हित में अपने व्यूअर्स को हित में बता रहा हूँ ताकि उनको नॉलेज मिले। और अगर एक दुकान से माल लाते हैं फेरी करने के लिए तो दुकान चेंज करके भी लाते रहिए, इससे पता चलेगा कि किसमें क्या रेट है कौन सा रेट है। तो इसलिए दोस्तों दुकान चेंज करके माल लाइए तो फ़ायदा में रहिए। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल अभी चलते हैं घर। और दोस्तों तेल एक ही बार में टंकी फुल करा लिए हैं क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन देखते हैं कितना दिन तक चलता है तेल, तो तेल तो फुल हो गया है। और टोटल माल कितने का हुआ है तो दोस्तों इधर है 450 और ये झोला में देख रहे हैं साइड में ये 1700 तो हो जाता है 64 और 16 17 61 साढ़े 6100 और दोस्तों 360 रुपये का पेट्रोल हुआ है तो हो जाता है 61 62 63 64 65 6500 प्लस का माल आज हो गया है दोस्तों। और टोटल इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 65-65 सौ का। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी चलते हैं घर, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ का चार सौ का व्यू दिखाते हैं किस तरह देख सकते हैं। इधर का गहुआ अभी बहुत छोटा है और अभी कोनो कोनो खेत में पानी पड़ रहा है, उधर पंपिंग सेट लगा हुआ है। हमारे उधर का तो पूरा पानी भी पट गया है, बहुत बड़ा बड़ा गहूँ हो गया है, बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी इधर से बहुत आघात है। तो इस तरह का व्यू है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का। तो दोस्तों अब चलते हैं और दोस्तों टाइम की बात करें तो दोस्तों टाइम अभी हो गया है 2:15 हो गया है तो चलते हैं और अभी नाश्ता भी करना है तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से।